अरे हाँ हाँ ला रही हूँ तेरा ही चारा ला रही हूँ। थोड़ा सा लेट होते ही मोमो करके पूरा घर सर पे उठा लेती है। हे राम, लगता है जोरू की बारिश होने वाली है। भैया तो खेत में काम कर रहा है और घर तक आने में तो पूरा भीग जाएगा, कहीं बीमार ना हो जाए। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे लगता है तूफान आने वाला है, अगर इस साल भी हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम खाएंगे क्या? मुझे जल्द ही घर जाना होगा, नहीं तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। अरे डुगू भैया, आप तो पूरे गीले हो गए हो। क्या करें दीदी, हमारे पास तो एक छाता भी नहीं है। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? नहीं डुगू भैया, इसमें भगवान क्या करेंगे, हमारी किस्मत ही ऐसी है। अरे नहीं दीदी, आपको नहीं पता, भगवान कुछ लोगों को बहुत अमीर बनाता है और कुछ लोगों को हमारी तरह गरीब। ये पृथ्वी लोक पर मुझे कौन याद कर रहा है? कौन है ये बच्चे जो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं? दीदी, हमारी झोपड़ी की तो छत भी टपकती है ना, और अगर आज बारिश नहीं रुकी तो हमारे घर में पानी भर जाएगा, हम रात में सोएंगे कहाँ? डुगू भैया, आपको पता है भगवान बच्चों की हमेशा सुनते हैं, तो चलो भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वो बारिश रोक दें। ठीक है दीदी, अब हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लगता है आपके भगवान आपकी सुन नहीं रहे। नहीं डुगू भैया, आप देखते रहो, वो एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे।